एक और जहां दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कैथल में प्रशासन ने वैक्सीन ना लगाने वालों के लिए सख्त रुख अपनाया है। देखिए, कोरोना वैक्सीन ना लगाने वालों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे होंगे। कई बार ऐसी खबरें सुने होंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए कई क्षेत्रों में एंट्री भी बंद कर दी गई। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए बैरिकेडिंग कर दी गई और एंट्री बैन कर दी गई। कैथल जिले में जिला प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया कि कोरोना की वैक्सीन ना लगवाने वालों को जिला सचिवालय में एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों को रोकने के लिए जिला सचिवालय के आगे बैरिकेडिंग की गई है। यह जबरदस्ती है, टीका कोई लगवाना चाहे जी करे न करे, कोई लिखत तो नहीं है ना। अगर कल न किसी का इन्फेक्शन हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? साल में, दो साल में, तीन साल में इस टीके का इन्फेक्शन हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? या तो लिखित में देना चाहिए कि हाँ सरकार इस चीज का इलाज करेगी, अगर वाक्य में इस दवाई से कल न इन्फेक्शन हो गया तो उसका जिम्मेदार तो सरकार बनेगी ना, तो उसमें लिखित में देना चाहिए। वहीं जिला सचिवालय पहुंचे लोगों ने प्रशासन के इस फैसले का विरोध भी किया। बैरिकेडिंग लगाए जाने के बाद लोग जिला सचिवालय के बाहर पहुंचे और ऐसे में पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। एक बैरिकेड लगा रखे हैं, पता नहीं कहां से उड़ रहा है इनके पास, इन्होंने बंद कर रखे कि अंदर नहीं जाना, डीसी साहब ने बोल दिया। मतलब क्या काम आए थे आप? मेरा काम है एक पंजीकरण का है जी, मेरा एक फर्जी पंजीकरण करवाया हुआ है जी किसी अड़ती ने, और मैंने पिछले 10वें महीने 21 तारीख से एप्लीकेशन दी हुई है थाना चीका में जी, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है जी। और इसके बारे में मैं एसपी साहब से मिला था जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन के इस फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। ऐसे में ये समझना भी बेहद जरूरी है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए और वैक्सीनेशन ही इस महामारी के बीच एकमात्र हथियार है। वीरेंद्र पुरी, कैथल, खबरें अभी तक।